हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। भगवान के ग्राम हेतमपुर अनेकी से प्रधान पद के उम्मीदवार कीर्ता सिंह ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि मैं प्रधान न होते हुए भी क्षेत्र की जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहता हूँ। पूर्व प्रधान को क्षेत्र की जनता ने ये उम्मीद लगाकर जिताया था कि क्षेत्र में उनके द्वारा कार्य करवाया जाएगा, लेकिन पूर्व प्रधान द्वारा सरकारी पैसे की बंदरबांट की गई है। वहीं क्षेत्रवासियों ने कहा कि कीर्ता सिंह पूर्व में BDC मेंबर भी रह चुके हैं और पूर्व प्रधान पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। कीर्ता सिंह अच्छे समाज सेवी हैं, इनसे अच्छा कोई प्रधान पद उम्मीदवार नहीं हो सकता, इसलिए अब की बार इन्हें भारी मतों से विजय दिलाएंगे। अच्छा, अभी 2022 के चुनाव होने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत चुनाव, उसमें आपकी ओर से किन लोगों को वोट दिए जा रहे हैं? पहली बात तो है, जो कोई महाराज ग्राम प्रधान जो भी महाराज जो बना है ना, जो भी बने हैं जिसमें कुछ नहीं कर पाया, मेरा कौन को सुधार दिया है उसके लिए, और हमें चाह रहे कि हम कीर्ति जी बनाना चाह रहे कि हमारा ग्राम प्रधान कीर्ति जी होना चाहिए। लेकिन अभी अनेकी के कुछ लोगों ने बताया कि वहाँ तो बहुत ज्यादा विकास किया गया है, व्यवस्थाएं सफाई की बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हैं, स्कूल की व्यवस्थाएं हैं, पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं, चारागाह की व्यवस्थाएं हैं, तो ये बात कहाँ तक सही है? सर, ये ऐसा आया कि ये व्यवस्था जो हो गई थी, पहले व्यवस्था जो पहले हो गई थी, इसकी वजह से कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, ये पहले व्यवस्था जो हो गई थी, पहले हो गई थी चंद्रा विभाग में, उसमें हो गई थी, हमारे चंद्रा प्रधान जी प्रधान जी रह चुके हैं, और उसमें हो गया था, उससे पहले हो गया था। तो जो पिछले ग्राम प्रधान थे उनका नाम क्या है? पहले थे मैं, तीन प्रधान जो है, प्रमुख प्रधान जी हो गए, जो अब तक के प्रधान रहे हैं, तीन साल मतलब 5 साल काट दिए, उन्होंने 10 साल काट दिए, यहाँ पर प्रमुख प्रधान जी ने काट दिए, उसके बाद रहे चंद्र जी रहे, उसके बाद रहे मास्टर जी रहे। अभी वर्तमान में कौन कौन थे? वर्तमान में मतलब ये है कि ये रेल मास्टर जी नरेश जी। जी जी। अच्छा, उनके द्वारा क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं नहीं, मेरे को संतुष्ट नहीं। तो जो विकास का जो पैसा था वो कहाँ गया? सर, इसका उत्तर लग पा रहा है कि पैसा गया कहाँ, कि वो कह रहे कि पैसा कोई मंजूर नहीं है, बल्कि एक एक घर में अगर किसी के झोपड़ी पड़ी है, कुछ झोपट्टी पड़ी है, एक आदमी के 3-3 मकान बन रहे हैं वहाँ पर, और जिसकी झोपड़ी पड़ी है वहाँ झोपड़ी पड़ी है, उसका कोई मकान नहीं दे पा रहा है, पानी बहुत दुविधा, कोई नलका नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई टंकी नहीं, कोई नलका कुछ भी नहीं आ रहा। तो क्या आप लोगों ने इसकी कभी जाँच नहीं मांगी? सर, जाँच मांगते हैं वहाँ पर, आसान है कि वहाँ हमारे वहाँ एकता वहाँ नहीं है कि अगर 10 आदमी इकट्ठा होकर वहाँ जाएँ तो वो इकट्ठा नहीं हो पाता, वहाँ तैयार प्रधान पहली बात तैयार की वहाँ जाएंगे, उन्होंने हिम्मत नहीं दे पाता, ये बात है। हितमपुर और अनेकी दो गांव की पंचायत एक है, छोटी अनेकी होता जी। तो इस बार आप गांव के लोगों से क्या कहना चाहेंगे, किन्हें वोट देना चाहिए? मैं कहना चाहता हूँ जी, महाराज जी कीर्ता जो आदमी है सबसे बढ़िया आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। जिसने कहा जी ये मतलब काम करने मतलब ये आदमी ऐसा है कि प्रधान अगर नहीं होगा ना सबसे आगे खड़ा हो चलता है जी, ये आदमी प्रधान युग में अगर प्रधान अगर मना मतलब प्रधान काम कराता है जी, कराते हैं प्रधान, अगर कोई पास हो जाए गाँव में वो तो जाते नहीं है, ये पहले बेचारे उठ के चले जाएंगे, किसी और को बोल देंगे वो आ जाएगा, प्रधान जी कभी जाते हैं किसी में, फिर ये बात है। मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं निवासी हूँ, और आज हमारे अंकल जी कीर्ति जी जो विकास की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और बढ़ाता है हमेशा के लिए, और हमारा माननीय ये है, हमारा नहीं बल्कि पूरे समाज का माननीय ये है कि माननीय जो कीर्ति जी है वह पहले से ही समाज सेवक रहे हुए हैं, और ये चुनाव लड़ रहे नहीं, समाज चुनाव लड़ा रहा है कि पहले से ही जो कार्य करते आ रहे हैं क्यों ना हम उन्हें खड़ा करें, ताकि और उन्नति उन्नति की ओर और तरक्की की ओर समाज पहुंचे। हमारा मानना यह है कि माननीय कीर्ति जी को अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाए और अच्छी प्रगति और अच्छे कार्य की तरफ हाथ बढ़ाए। अनेकी और हितमपुर की ग्राम पंचायत एक है। हाँ जी, प्रधान जो थे वो अनेकी गांव से थे। हाँ जी, हाँ जी। तो उनकी ओर से आपके गांव में क्या विकास किया गया है, हितमपुर गांव में क्या विकास किया गया है? देखिए, मेरे जो घर की सड़क है, मैं और की नहीं कहूँगा, जो मेरे घर की सड़क है वो जो भी टूटी फूटी पड़ी है, वोट दिया उसे लेकिन कोई कार्य नहीं किया। तो ऐसे में जो ग्राम पंचायत की योजनाओं का जो पैसा आता था तो उस पैसे का कहाँ उपयोग किया गया? उपयोग गलत उपयोग किया गया पैसे का। कैसे? अच्छी जगह पैसा नहीं लगा हुआ, अपने कार्य में पैसे लगाए उसके, अपने कार्य जैसे कोई प्रधान या कोई नेता ऐसा है ही नहीं जो यहाँ पे उन्नति कर सके। नहीं, आपने भी कहा कि उन्होंने अपने कार्य में पैसा लगाया है, तो अपने कार्य जैसे कि घर के बहुत से कार्य हैं,
अपने घर के कार्य हैं, अपने खेत के कार्य हैं और बहुत से कार्य अपने निजी कार्य लाभ के लिए। तो अभी आप कैसा प्रधान चाहते हैं? हम ऐसा प्रधान चाहते हैं जैसे माननीय कीर्ति जी हैं, बिना पद के निस्वार्थ पहले से कार्य करते आ रहे हैं। और अन्यकी में भी और हेत्तमपुर में भी अन्यकी में पीछे पीछे रोड गिरवाई तब की इनके पास कोई पद नहीं था। और हम ये मानने कि जो व्यक्ति बिना पद के इतना कार्य कर सकता है, पद आने के बाद वो क्या नहीं कर सकता। मेरी यही समाज से सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी अपना बहुमूल्य वोट दें और कीर्ति जी को विजय बनाए। आपका जो हेत्तमपुर गाँव है क्षेत्र में काफी बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर समस्याएं देखी जाए तो मुख्य समस्याएं यहाँ की क्या क्या है? मुख्य समस्या ऐसे बहुत है यहाँ पे, जैसे जैसे कि रास्ते के ले लो आप, सबसे मेन बात तो रास्ते की है। आदमी अपना ड्यूटी जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो कहाँ भी जाएगा, उसे मेन रास्ते की प्रॉब्लम है। उसका किसी ने बताया कि गंदगी काफी है। गंदगी काफी है, गंदगी कौन हटाएगा? गंदगी तो वही हटाएगा जिसे हम चुनेंगे। एक व्यक्ति तो ऐसा जिसे हम चुनने उत्तम भी गंदगी नहीं हटा रहा, एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना चुनो ही गंदगी हटा रहा, तो कौन कार्यरत कर रहा है? तो आपके अनुसार कहना है कि इस फल के लिए और सटीक भी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा नाम है कीर्ता सिंह, मैं पिता जी अभी 2022 के ग्राम पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं जी, इसमें क्या क्या तैयारियाँ आपकी उसकी गई? देखो हमारा मानना यह है कि जितने भी प्रत्याशी ग्राम प्रधान लड़ रहे हैं, जो भी आदमी वोटर है वो वोटर देखभाल करके दे, जो विकास करे, नागरिक बनाए, शिक्षा देखे। सभी प्रत्याशी लड़ रहे हैं और सभी का मान सम्मान होना चाहिए, हम ये भी चाहते हैं। लेकिन मान सम्मान उसी आदमी का करा जा फर्स्ट टाइम जो जिस लायक हो। विकास की अगर बात करें तो आपके क्षेत्र में अभी किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? अभी हमारे अन्य के हेत्तमपुर में पानी इतना गंदा हो रहा और टंकी में पानी गंदा आ रहा, बिल्कुल कीड़े आ रहे। हमने सबको जरूर फोन किया, वो कह रहे भाई हमारा पाइप फूटा गया है, सब जुड़वा जाएंगे। दो गांव की एक पंचायत है? हाँ, तीन गांव की पंचायत है, छोटी अन्य की, बड़ी अन्य की, हेत्तमपुर। तो जो दूसरे गाँव का जो प्रधान आपके द्वारा चुना गया था, उसकी ओर से क्या क्या विकास कार्य यहाँ किए गए? हमारे जो पहले प्रधान जी थे, मेरे प्रधान जी की वाइफ थी मास्टर जी, तो उन्होंने हमारे जो हॉल है उसमें फर्श किया, उसका जो है ना वो रिपेयर किया। और पानी की समस्या आपने बताई, इसके अलावा और क्या क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या तो ये है, एक तो स्कूल महाराज इंटर का एकदम स्कूल में इंटर का नहीं है, अन्य में तो है लेकिन हमारे गाँव में नहीं है। यदि आप चुनाव जीत जाते हैं तो आपकी तरफ से क्या क्या प्राथमिकताएं यहाँ रहेंगी? भाई यही रहेगा, बच्चों का स्कूल बन जाए इंटर पढ़ने पढ़ने लिखने का, अरे भाई पानी अपना सही साफ सुथरा मिल जा, भाई यही होना चाहिए। कुछ लोगों द्वारा बताया गया था कि गांव के अंदर गंदगी बहुत है, तो सफाई की क्या व्यवस्था है? जब ग्राम प्रधान जो भी आज तक बना है उसने आज तक किसी जगह अन्य की, छोटी अन्य की, बड़ी अन्य की, हेत्तमपुर में कुंडी देने की जगह नहीं दी गई है अब तक। सुनने आ रहा है कि जो दूसरा गांव है अन्य की, वहाँ के लोग भी आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट करेंगे वो काम के लिए, भाई मैं वहाँ करवा काम कर रहा तो सपोर्ट करेंगे, मैं काम नहीं करने का तो सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले जो योजनाएं गई हैं उनमें आपके पास क्या क्या पद रहे? सबसे पहले मैं छोटे अन्य का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके बाद बड़े अन्य भी रहता हूँ। जब मैं सबसे पहले इलेक्शन लड़ा BDC का, तो मैं अन्य से ही दो वोट से जीत चुका था, हेत्तमपुर का वोट पेटी नहीं खुली। दूसरी बार मेरे से जिला पंचायत लड़ा, अन्य की माँ 22 वोट मुझे मिला, हेत्तमपुर में मुझे 7.5 वोट मिला। अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या कह रही है? अभी की वर्तमान स्थिति है, आप जा घर घर पता करो, कोई लोग बताएंगे क्या स्थिति है, मैं कुछ नहीं कर सकता।